मैं रितिका मेहरा जेके वॉइस के लिए बसोली से आज हम यहाँ पुराने राजा के महल में आए हैं, ऐतिहासिक प्राचीन महल में आए हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। हमारे साथ राजा रफीक सर हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे प्राचीन महल जो हैं, आज तक गवर्नमेंट की तरफ से इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि हमने मैक्सिमम देखा है कि कई जगहों में हमें आने का मौका मिला, जैसे हमारे जम्मू है, अपना रामनगर है, और भी कई सारी जगहों में हमें जाने का मौका मिला। कश्मीर में भी जितने भी हमारे प्राचीन हमारे ये महल हैं, उनको गवर्नमेंट ने संभाल के रखा है कि दिल खुश होता है, लेकिन जब हम अपने इन बसोली के महलात को देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। आज से कोई 30 साल पहले ये जो एरिया है महल का, ये फ्लोरिकल्चर के हवाले किया है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले ये हमारे महल हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि फ्लोरिकल्चर वालों ने यहाँ क्या किया है। यहाँ मुलाजिम हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कोई कमरा भी नहीं है, या यहाँ हमारे यहाँ तालाब है, पानी से भरा रहता है, लेकिन एक मोटर तक डिपार्टमेंट ने उनको खरीद कर यहाँ के लिए नहीं लगाई, और ना ही यहाँ फूल वगैरह लगाए गए हैं। देख रहे, पूरे जंगल बना हुआ है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कितना विकास हुआ है, कितना पैसा लगाया है पिछले 10 सालों से। देखिए, आपने देखा, खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, जी अगर यहाँ पिछले 10 सालों से विकास हुआ होता तो इसका नक्शा ही कुछ और होता, लेकिन ये तो पूरे इन्होंने पूरा इसको जंगली बना दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर फ्लोरिकल्चर साहब से कि जब से ये महल हमारे जो हैं ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर किए गए हैं, तब से लेकर आज तक सरकार इसकी पूरी इंक्वायरी को है कि यहाँ के लिए कितना पैसा सरकार ने इशू किया है। अगर वो पैसा यहाँ लगाया गया है तो लगाया कहाँ है। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी पूरी पूरी इंक्वायरी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ है राजा रफीक सर।